नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, प्रतिदिन अगर आप 5 भीगे बादाम का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में क्या लाभ मिलते हैं। अगर आप दोस्तों स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बादाम का प्रतिदिन सेवन जरूर करें, क्योंकि बादाम में प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए काफी गुणकारी होता है, साथ ही त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। बादाम में मौजूद तत्व हमारी याददाश्त को बढ़ाने का काम भी करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन बादाम का सेवन करना गुणकारी होता है। तो आइए जानते हैं कि आप अगर प्रतिदिन बादाम का सेवन करते हैं तो आपको क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बादाम खाने से पहले आपको बता दूं कि आपको सेवन कैसे करना है। आप क्या करें, रोजाना रात को 5 बादाम ले लें और इन्हें 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सवेरे आप उन बादाम के छिलके हटाकर आप खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उस पानी में बादाम और चने दोनों मिक्स करके भी सेवन कर सकते हैं, ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं कि ये फायदा क्या करता है। बादाम आपके दिल को सेहतमंद बनाए रखने का काम करता है। ये बात शोधों में सामने आ चुकी है कि सप्ताह में 5 दिन तक अगर आप बादाम का सेवन करते हैं तो सामान्य लोगों की अपेक्षा हृदयघात का खतरा आपको 50% तक कम हो जाता है, क्योंकि बादाम में मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है उसकी तरह विटामिन ई काम करता है और ये दिल की बीमारियों को दूर रखता है, उसे बेहतर तरीके से काम कराने में मदद करता है, इसलिए 5 बादाम आप जरूर खाएं। नंबर 2 है दोस्तों, रक्त संचार में बादाम गुणकारी होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो खून की पूर्ति होती है उसमें ये गुणकारी होता है। बादाम में पोटेशियम की मात्रा काफी अधिक होती है, साथ ही सोडियम भी काफी कम मात्रा में होता है। इससे हमारे शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से बना रहता है। रक्त संचार सुचारू रूप से रहने से शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन सही प्रकार से पहुंचती है और सभी अवयवों को समान रूप से काम करने की ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे कि शरीर को काफी फायदा मिलता है। नंबर 3 दोस्तों, बादाम इसी के साथ आपकी हड्डियों के लिए भी लाभकारी होता है। बादाम में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, इसलिए बादाम का सेवन करने वालों को हड्डियों की बीमारी नहीं होती है। अब हड्डियों की बीमारी क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द इत्यादि नहीं होते हैं और दोस्तों आपकी हड्डियां मजबूत रहती है, इसी के साथ आपके दांत भी मजबूत बने रहते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अगर आप बादाम को प्रतिदिन खाते हैं तो सबसे बड़ी बीमारी यानी कि कैंसर का खतरा कम हो जाता है। बादाम में फाइबर काफी अधिक मात्रा में होता है। फाइबर हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखने का काम करता है। पाचन क्रिया जब ठीक रहती है तो कोलोन कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है और ये केवल 5 बादाम से ही होता है। बादाम दोस्तों शक्ति वर्धक का भी काम करता है, यानी कि बादाम में कई पोषक तत्व होते हैं। इसमें प्रोटीन, मैग्नीज, कॉपर, राइबोफ्लेविन आदि मौजूद होते हैं। ये सब पोषक तत्व शरीर को भरपूर शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सुबह के समय बादाम के साथ दूध का सेवन करने से शरीर की पूरी शक्ति मिल जाती है, यानी कि एक भरपूर नाश्ता हो जाता है। स्मरण शक्ति अच्छा बनाए रखने के लिए बादाम काफी उपयोगी माना जाता है। बादाम का सेवन अल्जाइमर और अन्य मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करने में किया जाता है। रोजाना सुबह 5 बादाम भिगोकर खाने से दिमाग तेज होता है। बच्चों के लिए ये बहुत कारगर होता है। और आखिरी दोस्तों, डायबिटीज में बादाम बहुत गुणकारी होता है। शोधों में ये बात सामने आ चुकी है कि बादाम में मौजूद तत्व भोजन के बाद बढ़ने वाली शुगर के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। इससे शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य बना रहता है। नियमित रूप से बादाम का सेवन करने से शरीर को डायबिटीज से लड़ने में मदद मिलती है। इसी के साथ प्रेगनेंसी में भी बादाम गुणकारी होता है। त्वचा के लिए बादाम बहुत लाभकारी होता है और बालों की समस्याओं में ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अगर आपके बालों की जड़ें जो है वो मजबूत नहीं है, सफेद बाल हैं, बाल जड़ रहे हैं, तो बादाम लाभकारी होता है।
तो दोस्तों ये सारी चीजें केवल आपको 5 बादाम खाने से ही मिल जाती है। आप ऑर्गेनिक बादाम का सेवन करें, ज्यादा गुणकारी होते हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और 5 बादाम का सेवन डेली जरूर करें। धन्यवाद।